हेलो वंशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और वेइंग का बेबी जन्म ले चुका था। दोनों अपने बेबी को गोद में लिए आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वेंचिंग वहाँ आती है। वेंचिंग उनसे कहती है, विजिटर्स बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, मैं भी उनमें हूँ। वेइंग उसे पूछता है, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? तो वेंचिंग कहती है, हाँ ऑफिशियली तो हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा अपने फ्रेंड को विजिट ही कर लूँ, उसके बाद तो मुझे 10 घंटे के लिए सोना ही है। वेंचिंग बाहर जाती है और उसके साथ नी हुएसांग, नी मिंगजे, यानली, चेंगचा और म्याम म्या होते हैं। साथ में लैन चचैन भी होता है। वेइंग कहता है, तुम सच में मजाक नहीं कर रही थी, बाहर तो काफ़ी सारे लोग खड़े थे। शिचैन तुरंत वांगजी के पास आता है और उससे कहता है, वांगजी तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? वांगजी कहता है, यस ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिचैन एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। वो वांगजी के गोद में छोटे से बेबी को देखते हुए कहता है, क्या मैं भी इसे गोद में ले सकता हूँ? पर तभी जंगशा इंटरप्ट कर देता है और कहता है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लूँगा। शिचैन कहता है, पर पहले मैंने पूछा था। तभी यानली कहती है, तुम सबको पीछे हट जाना चाहिए, मैं उसकी इकलौती आंट हूँ, तो मुझे उसे गोद में लेने का हक पहले है। तभी म्याम म्या कहती है, टेक्निकली ये मेरा बेबी होने वाला था। उसकी इस बात पर वेंचिंग उसे एक कोहनी मार देती है। म्याम म्या तुरंत चुप हो जाती है। वेइंग वांगजी की तरफ देखता है, उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, मुझे लगता है हुएसांग को सबसे पहले बेबी को गोद में लेना चाहिए, क्योंकि वो हम दोनों को असिस्ट करने के लिए पूरे टाइम हमारे साथ था। सबकी नज़र हुएसांग पर जाती हैं, जो एक रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था एकदम कम्फर्टेबली, जैसे वो उन सब के फाइटिंग की ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हो। वांगजी का डिसीजन सुनते ही हुएसांग कहता है, तुम चाहते हो कि मैं बेबी को पहले गोद में लूँ? वेइंग कहता है, हाँ तुमने ही तो कहा था ना कि तुम बेबी के सबसे अच्छे वाले अंकल बनना चाहते हो। हुएसांग कहता है, पर मुझे बेबी को होल्ड करना भी नहीं आता, अगर मैंने उसे गिरा दिया तो? वेइंग जेंटली बेबी को हुएसांग के आर्म्स में देते हुए कहता है, ये बहुत ईजी है, बस उसे इस तरह पकड़े रहो पर उसके सिर के नीचे हाथ लगाए रखना। हुएसांग बिल्कुल ऐसा ही करता है। जितने टाइम तक बेबी उसकी गोद में था, हुएसांग बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। हुएसांग बेबी को देखकर कहता है, ये कितना छोटा सा है। नी मिंगजे स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना कि तुम्हारा भी एक क्यूट सा बेबी हो, क्योंकि हुएसांग एक ओमेगा था। हुएसांग भू बना देता है। अचानक से बेबी रोने लगता है। हुएसांग चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसे कैसे शांत करूँ, मुझे डर लग रहा है। तभी यानली हंसते हुए उसके पास आती है और बेबी को गोद में ले लेती है। इसी तरह पर्सन टू पर्सन बेबी सबकी गोद में जा रहा था। लास्ट में जब वेइंग वापस वेइंग और वांगजी की गोद में आ जाता है, तो वेंचिंग पूछती है, क्या तुम दोनों ने इसका नाम डिसाइड कर लिया है? वेइंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वेइंग कहता है, हमने सोचे तो काफ़ी सारे थे, पर उनमें से कोई भी ठीक नहीं लग रहा। वांगजी इस बात पर एकदम क्वाइट रहता है और कुछ टाइम बाद कहता है, मैंने एक नाम सोचा है। वेइंग पूछता है, सच में क्या नाम है? तभी वांगजी कहता है, आयुएन। पता नहीं क्यों, पर मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ये नाम हमेशा मेरे दिमाग में था। वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगा। वेइंग बेबी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, हेलो लान आयुएन। वांगजी को सडनली कुछ मिसिंग फील होता है। वो तुरंत उसे करेक्ट करते हुए कहता है, वे कहो वेइंग। वेइंग उससे कहता है, क्या मतलब? तो वांगजी कहता है, इसका नाम वे आयुएन होगा। वेइंग फिर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी हुएसांग खड़े होते हुए कहता है, लग रहा है अब हमारा विजिट करने का टाइम ख़त्म हो चुका है। लैन आयुएन या फिर वे आयुएन के दोनों फादर्स को आपस में शायद कुछ बातें करनी हैं, हम सब बाहर चलते हैं। ऐसा कहकर हुएसांग एक एक करके सबको बाहर निकाल देता है। अब वेइंग और वांगजी रूम में अकेले थे। वेइंग वांगजी से पूछता है, लंजा क्या तुम सीरियस हो? वांगजी बेबी को कार्ट में रखते हुए कहता है, वेइंग क्या लास्ट 24 आवर्स में मैंने कभी भी तुमसे झूठ बोला? वेइंग कहता है, नहीं। वांगजी वेइंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इसका मतलब यही है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। जितना ज़्यादा ये मेरा बेटा है, उतना ही ये तुम्हारा बेटा है, और ये तुम्हारे नेम को ही कैरी करेगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। वेइंग की आंखों में सडनली आंसू आने लगते हैं और वो उससे पूछता है, लंजा क्या तुम मेरे मेट बनोगे? वांगजी इस बात पर एकदम फ्रीज हो जाता है।
वांगजी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विंग अचानक से उससे ये पूछ लेगा। दोनों के बीच में साइलेंस हो जाता है। विंग साइलेंस को ख़त्म करते हुए नर्वसली वांगजी से कहता है, लंजा स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज़ मेरे बनोगे? वांगजी उससे कहता है, हाँ विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांगजी अपने आर्म्स विंग के शोल्डर्स पर रैप कर लेता है और किस को और भी ज़्यादा डीप बना देता है। दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों के फोरहेड्स एक दूसरे को टच हो रहे थे। विंग उससे कहता है, आई लव यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ कि उस रात तुमने मुझे अपार्टमेंट में बुलाया। वांगजी उससे कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम उस रात मेरे घर आए। विंग कहता है, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा लंजा। वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तो विंग उन्हें किस कर लेता है। VIUN के बर्थ के बाद कुछ हफ्ते वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग थे। वांगजी वैसे IUN को बहुत प्यार करता था। IUN उसकी लाइफ में एक एंजल था, पर IUN बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत जल्दी जल्दी अपने कपड़े गंदे कर लेता था और कभी भी वॉमिटिंग कर देता था। वांगजी अपना ये समय न्यूली फाउंडेड कपल की तरह विंग के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि विंग उसका होने वाला मेट था, पर IUN उन दोनों को बिल्कुल भी अकेले में समय नहीं दे रहा था। वांगजी को हार्मोनल स्टेट की वजह से अंदर से ये भी फील होने लगा था कि कहीं विंग ये सबसे परेशान होकर वांगजी को छोड़ ही ना दे। विंग को हर बार उसे टाइटली हग करते हुए समझाना पड़ता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो और लंजा कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। IUN अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपने पेरेंट्स के बिना रह लेता था। लांच चैन और उनके ग्रेटेस्ट अंकल ने अग्री किया था कि इस वीकेंड वो दोनों साथ में रह सकते हैं, उनके IUN को वो दोनों संभाल लेंगे। वांगजी IUN को खुद से अलग करने पर बहुत रोया था, पर विंग उसके लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है और उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो दोनों ऑफिशियल हस्बैंड्स बन जाए। IUN को लेकर शिचैन वहाँ से चला जाता है और महीनों में पहली बार विंग और वांगजी घर में अकेले थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। पूरे रूम में जैसे नर्वस एनर्जी फैली हुई थी। दोनों को ही नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वांगजी की रिकवरिंग बॉडी की वजह से पिछले कुछ महीनों में उन दोनों के बीच केवल सॉफ्ट केसेस या कडल्स ही होते थे, पर अब आगे क्या होने वाला था, दोनों इसी बात को लेकर थोड़े नर्वस थे। विंग सडनली वांगजी से कहता है, मैं किचन से कुछ वाइन लेकर आता हूँ। वांगजी गहरी सांस लेते हुए वहीं काउच पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, आगे मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने कपड़े निकाल दूँ या फिर विंग को मेरे कपड़े निकालने दूँ। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था तभी विंग वहाँ आकर काउच पर बैठ जाता है और वांगजी की नर्वसनेस को देखते हुए कहता है, लंजा तुम ठीक हो ना? अगर तुम ठीक नहीं हो तो हमें अभी भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांगजी अचानक से कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मेरे कहने का मतलब था मैंने कभी ये सब नहीं किया, इसलिए बस मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कहकर वांगजी का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। विंग मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, स्वीट हार्ट मेरे पास आओ ज़रा। वो उसे अपनी गोद में बिठाते हुए उसके पूरे फेस पर सॉफ्ट किसेस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी पर तुम हो ही इतने क्यूट कि मुझे तुम्हें टीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। वो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट ये करने का कोई भी सही या गलत तरीका नहीं होता, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और तुम चिंता मत करो मैं जेंटल रहूँगा। वांगजी अपने और भी ज़्यादा रेड फेस के साथ सॉफ्टली कहता है, तुम्हें जेंटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। विंग की आंखें अचानक डार्क हो जाती हैं और वो उससे कहता है, मुझे टीज मत करो डार्लिंग, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊँगा। वो वांगजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, कैसा रहेगा कि तुम पहले बाथ ले लो, उसके बाद मुझे बेडरूम में आकर मिलो जब तुम पूरे तरीके से रेडी हो। वांगजी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, विंग तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे? विंग उससे कहता है, स्वीट हार्ट मैं तुम्हें सही तरीके से ट्रीट करने का सोच रहा हूँ और तुम मेरे लिए इसे और डिफ़िकल्ट बना रहे हो, मैं दूसरे बाथरूम में फ्रेशन अप हो जाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सब कुछ ठीक से अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। वांगजी अग्री करता है और जाने से पहले विंग को एक डीप किस करता है।
किस करते ही वो तुरंत बाथरूम की तरफ चला जाता है। वुइंग के फेस पर एक फ्लश्ड एक्सप्रेशन रह जाते हैं। वांग जी बाथरूम में जाकर अपने क्लोथ्स फ्लोर पर निकाल देता है और टब में जाकर अपनी बॉडी को रिलैक्स फील करवाता है। कुछ टाइम बाद जब उसकी पूरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है, वो बाथटब से बाहर आ जाता है। वाइट कलर की एक फ्लफी सी एक्सपेंसिव टॉवल निकालता है और अपनी पूरी बॉडी को वाइप करता है। उस टॉवल को अपनी वेस्ट पर रैप करता है और बेडरूम की तरफ इसी तरह बाहर आ जाता है। वुइंग बेड पर लेटा हुआ था, उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ में वो फ़ोन यूज़ कर रहा था। उसने लाइट ब्लू कलर के रोब पहने हुए थे। वांग जी बेडरूम में जाते ही अपना थ्रॉट क्लियर करते हुए वुइंग की पूरी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी को निकट देखकर वुइंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो वाइन का ग्लास और फ़ोन को बेड साइड टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लंचा, जल्दी से मेरे पास आओ स्वीट हार्ट। वुइंग वांग जी को अपना हाथ देता है और वांग जी भी उसकी तरफ आते हुए वुइंग की गोद में आकर बैठ जाता है। वुइंग अपने हाथ वांग जी के चीक्स पर रखते हुए कहता है, गॉड लंचा तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो मेरे मेट के रूप में। वांग जी उससे कहता है, मैं भी लकी हूँ वुइंग। वुइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, फिर टाई हो चुका है। इस तरह वो वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसे एक हंग्री किस करता है। वांग जी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने आर्म्स को वुइंग की नेक में रैप कर लेता है। पर उसके स्टमक में अभी भी इतनी एंजाइटी हो रही थी कि वो काफ़ी टेंस दिख रहा था। वुइंग किस से अलग होते हुए कहता है, अभी भी नर्वस फील कर रहे हो लव? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वुइंग मुस्कुराने लगता है और वहीं बेड पर लेट जाता है। वो वांग जी को भी अपनी बॉडी पर इसी तरह लेटने देता है। वांग जी का हेड वुइंग के चेस्ट पर था। वो उससे कहता है, रिलैक्स फील करने की कोशिश करो डार्लिंग, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छा फील हो। वो उन दोनों को फ्लिप करता है। अब वांग जी नीचे था और वुइंग उसके ऊपर था। वुइंग उसकी लिप्स पर एक बार फिर किस करने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी जॉ लाइन पर और उसकी नेक पर हर जगह बाइट कर लेता है। वांग जी की ब्रीदिंग हैवी होती जा रही थी और उसके स्टमक में जैसे हीट का पूल बन गया था। वुइंग जब उसकी चेस्ट पर किस करता है तो वांग जी से रुका नहीं जाता, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो वुइंग कहता है, तो तुम यहाँ सेंसिटिव हो लंजा। धीरे धीरे वो उसकी बैली पर किस करते हुए आता है और कहता है, सच में मेरा मेट एकदम परफेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक और बेबी को जन्म दो लंजा। वांग जी अचानक से चिल्लाते हुए कहता है वुइंग और अपना फेस कवर कर लेता है। वुइंग हंसते हुए कहता है, इट्स ओके माय लव, आज नहीं पर एक दिन ज़रूर। अब वो किस करते हुए उसकी थाइस पर आ जाता है और वहाँ भी किजन लाइक किसेस करने लगता है। वांग जी अब उससे कहता है, वुइंग मुझे टीज मत करो। वुइंग पाउट बनाते हुए कहता है, ठीक है मुझे लगता है मुझे मेरे मेट को वो देना चाहिए जो वो चाहता है। वुइंग वांग जी के कान के पास जाकर एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या चाहिए बेबी? वांग जी एक फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है, मुझे तुम चाहिए वुइंग, प्लीज़ अब और टीज मत करो। वुइंग तुरंत उसे फ्लिप कर देता है और उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, गुड बॉय डोंट वरी मैं जेंटल रहूँगा। उन दोनों के इंटीमेट होते वक्त वुइंग एक भी मौका नहीं छोड़ता वांग जी को कॉम्प्लीमेंट देने का। वांग जी उसकी नज़रों में एक परफेक्ट मेट था। वुइंग के हर एक शब्द पर वांग जी और भी ज़्यादा रेड हुए जा रहा था। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे कहता है, वुइंग मैंने कहा था ना तुम्हें जेंटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुइंग की आँखें फिर से डार्क हो जाती हैं और वो ग्राउल करते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो लंजा? वांग जी कहता है, यस वुइंग प्लीज़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। वुइंग को बस इतना ही रीअश्योरेंस चाहिए था। उसके बाद तो बस पूरे रूम में वांग जी की ही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वुइंग वांग जी के नेक से बाल हटाता है और अपने टीथ उसकी नेक में पूरी तरीके से गड़ा देता है। इस तरह उन दोनों के बीच मीटिंग हो चुकी थी। वुइंग वांग जी का ओमेगा बन चुका था। जब दोनों पूरी तरीके से थक जाते हैं तो एक दूसरे के पास ही लेट जाते हैं। वांग जी वुइंग के उस बाइट पर लिक करते हुए कहता है, तुम आज से मेरे ब्यूटीफुल मेट हो लंजा। वांग जी की आंखों में सडनली आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब उसके पास एक मेट था, एक बेबी था, अब उसके पास एक परफेक्ट फैमिली थी।
सडनली वुइंग अब टर्न हो जाता है। वांगजी कंफ्यूज होते हुए पूछता है वुइंग, तो वुइंग उससे कहता है अब तुम्हारा टर्न है लंजा। वांगजी कहता है क्या मतलब, तो वुइंग कहता है लंजा मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे मेट बनो, मेरे पार्टनर, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और वही डेडिकेशन मैं तुम्हें दिखाना भी चाहता हूँ। वांगजी की आंखों में सडनली आंसू आने लगते हैं। ये बहुत ही रेयर था कि कोई अल्फा अपने ओमेगा से उसे मार्क करने के लिए कह रहा था। ये एक तरीका था अपने ओमेगा के लिए अपनी डिवोशन और अपने ट्रस्ट को दिखाना। वांगजी तुरंत वुइंग की तरफ बढ़ता है और उसके नेक पर अपनी टीथ कड़ा देता है। उसके बाद वो दोनों एक हीटेड किस करते हैं। वुइंग कहता है आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। वांगजी भी उससे कहता है आई लव यू टू माई लव। वीकेंड के एंड तक आयुएन वापस आ गया था। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब इस फैन फिक्शन का एक लास्ट पार्ट रह गया है जो मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन भी बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।